नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि HW न्यूज की हाथ मजबूत कीजिए। और बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ये जो आप ज्वाइन बटन देख रहे हैं इसे दबाइए। जैसे आप इसे दबाते हैं आपके सामने तीन विकल्प सामने उभर कर आते हैं, इनमें से एक को चुनिए और HW न्यूज की हाथ मजबूत कीजिए। और आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धमाकेदार विषय होंगे सुनिए सरकार में। मुद्दा नंबर एक, ममता बनर्जी ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर होगा खेला होबे। जी हां, क्या राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने के लिए खेला होबे कामयाब होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। मुद्दा नंबर दो आपके सामने, तालिबान अपने नापाक मंसूबे फैला रहा है पूरे अफगानिस्तान में और भारत को बहुत चिंतित होना चाहिए। मुद्दा नंबर तीन आपके सामने, एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में एक हल्की सी बढ़त दिखाई दे रही है और केरल जिसके मॉडल की दुहाई दी जाती थी पिछले साल, उसके अंदर 50% केसेस हैं। आज मैं मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि क्या केरल में जो इतने बड़ी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केरल है और कोई और नहीं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अफगानिस्तान की। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है अफगानिस्तान के एक कॉमेडियन जिनका नाम है नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद को तालिबान उनके घर से ले जाती है और इस वीडियो के अंदर उनको तालिबान गाड़ी में बिठाकर पीट रही होती है बेरहमी से। और कुछ देर बाद, कुछ दूर बाद, नजर मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं नहीं भूला 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था, जब औरतों की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी, नर्क बन गई थी, जब पूरा अफगानिस्तान कई सौ साल पीछे चला गया था और अब एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वही करना चाहता है। नजर मोहम्मद की सिर्फ एक गुनाह था, उसका सिर्फ एक गुनाह था कि वो एक कॉमेडियन था दोस्तों, और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हम ये ना भूलें कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दानिश की तस्वीर, और दानिश को जो उस वक्त अफगान फोर्सेस के साथ एम्बेडेड थे, ना सिर्फ उन्हें गोली लग गई मगर जब उनकी मौत हो गई तो फिर उनके पार्थिव शरीर को लगातार म्यूटिलेट करने का काम तालिबान कर रहा था, उसकी तौहीन करने का काम तालिबान लगातार कर रहा था। इनके अंदर भारत को लेकर इतनी ज्यादा नफरत है। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त दानिश सिद्दीकी की मौत पर सिर्फ दो लोग जश्न मना रहे थे, पहला तालिबान और दूसरा यहां भारत के अंदर भक्त, यहां भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो दो रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गे, वो लोग मेरे दानिश सिद्दीकी, मेरे भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर जश्न मना रहे थे। दुख की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया। दानिश कोई आम पत्रकार नहीं था, वो पुलित्जर प्राइज विनिंग पत्रकार था, मगर प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक बयान तक नहीं दिया। और जब देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट कर दिया तो पूरा जो भारतीय प्रचार तंत्र जो है वो उन पर चढ़ गया था। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों कि इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भारतीय हितों को किस तरह की चुनौती दे रहा है। आपके स्क्रीन पर एक खबर देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, कांधार में हमें अपने 50 राजनयिकों को, हमें अपने 50 डिप्लोमैट्स को कांधार से रेस्क्यू करके ले जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कांधार में तालिबान का प्रवेश हो चुका है और वो शर्तिया तौर पर भारतीय हितों पर निशाना साधते। मगर दूसरी तरफ भारत हाथ पांव मार रहा है क्योंकि भारत के सामने बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि तालिबान मजबूत हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान मजबूत हो रहा है क्योंकि तालिबान को पूरी तरह से समर्थन देता है पाकिस्तान का ISI। और यह ना भूलें कि 1996 से 2001 के बीच में जब तालिबान का शासन था तो पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में से था जिन्होंने तालिबान के शासित अफगानिस्तान को मान्यता दी थी। आज पाकिस्तान का वही गंदा खेल चल रहा है दोस्तों कि किसी तरह से वो चाहते हैं कि तालिबान का कब्जा हो जाए, और एक बार तालिबान का कब्जा हो जाएगा अफगानिस्तान के ऊपर तो फिर पाकिस्तान का भी एक छत्र राज हो जाएगा। मगर ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एक बार तालिबान का राज अफगानिस्तान में हो गया, एक बार उनका निजाम होगा यहां पर, तो एक बार फिर
अफगानिस्तान पूरे दुनिया भर के आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा और यहां बैठकर वो दुनिया भर में आतंकी हमले की कार्रवाई करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही ठहराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के सही सोचने वाले लोग जो हैं इसका विरोध करेंगे, अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे कि तालिबान पर अंकुश डालो, तालिबान को समर्थन मत दो। क्योंकि यह मत भूलो, क्योंकि अगर तालिबान मजबूत हुआ तो पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तहरीके तालिबान मजबूत होगा और तहरीके तालिबान जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हितों को टारगेट करता है। यह नहीं हो सकता कि आप अपने पड़ोस में तो आतंकवाद को बढ़ावा दें मगर आपके देश जो है या आपका देश जो है वो आतंकवाद से दूर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतिहास इस बात का गवाह है, ढेरों मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को भी आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी या पड़ी है, मगर उससे ज्यादा चिंता मुझे अपने देश की है क्योंकि भारत के अंदर भी उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देख चुके हैं कांधार के अंदर किस तरह से हमारे राजनयिकों को वहां से भागना पड़ा था, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ सीक्रेट टॉक्स, गुप्त बातचीत क्यों कर रहा है। तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। ये सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, इन सबको तो तुम लोग देशद्रोही बता देते हो, उनसे आप बातचीत करते नहीं हो, मगर तालिबान से आप जो है सीक्रेट बातचीत कर रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं कि देश हित में कभी कभी आपको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, मगर यही कदम अगर कांग्रेस की सरकार ने उठाया होता तो बीजेपी क्या करती, बताइए ना। अगर यही कदम कांग्रेस ने उठाया होता या कांग्रेस की या किसी और सरकार ने उठाया होता तब बीजेपी क्या करती। तो ये तमाम मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों इसका क्या समाधान है, मगर भारत के लिए एक बहुत कठिन चुनौती ये सामने लेकर आ रहा है। और जो लोग भारत में बैठकर तालिबान के शासन के प्रति किसी तरह की कोई हमदर्दी रखते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का मतलब सिर्फ आतंक, तालिबान का मतलब सिर्फ तबाही और इसके अलावा कुछ नहीं। और आज सुनिए सरकार में दूसरा मुद्दा है कोरोना का। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यह खबर आपके स्क्रीन पर है, सिंगल डे राइज ऑफ 43,509 कोविड इंफेक्शन, 640 फेटालिटीज, पुश इंडियाज टैली ऑफ केसेस टू 3,15,28,114, डेथ टोल टू 4,22,662। डर इस बात का है दोस्तों कि एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात आपके स्क्रीन पर यह खबर, केरला नाउ अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ ऑल न्यू कोविड केसेस इन इंडिया, वॉरिड सेंटर इंटरवीन्स। यानी कि इस वक्त भारत में जितने भी नए केसेस आ रहे हैं 50% केसेस केरला जैसे एक छोटे राज्य में हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की जो पिनरई विजयन सरकार है उन्होंने 21 जुलाई को ईद को लेकर 3 दिनों की राहत दी थी। 3 दिनों की राहत, इसका मतलब आप जानते हैं, मैं जानता हूं उन्होंने कहा था कि सिर्फ वही लोग बाजार जा सकते हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया हो, जो अपने आप में कितना हास्यास्पद है। कोरोना का टीका लगाना और वो भी एक डोज, उससे आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर, अमित राव ओवर ईद रिलैक्सेशन, केरला लॉग 16,848 कोविड केसेस। यानी कि इधर इन्होंने ईद के लिए 3 दिन की छूट दी, उधर केरला में केसेस बढ़ने शुरू हो गए और आपके सामने जो है मिसाल है। आज की तारीख में इस देश में जितने कोरोना के केसेस हैं केरला के अंदर 50% हैं। क्या पिनरई विजयन की वामपंथी सरकार इस सवाल का जवाब देगी कि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत आखिर कर कैसे सकते हैं। और बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, इन्हें अपने इतिहास से सीखना चाहिए था मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको 1 साल पुरानी खबर बताता हूं। खबर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की है, ओवर 200% हाइक इन डेली कोविड केसेस इन केरला इन अ मंथ। ये पिछले साल की खबर है, तारीख देखिए 14 अक्टूबर 2020। 200% का उछाल आया था। और आप जानते हैं क्यों केरला में आया था,
क्योंकि इससे ठीक पहले केरला मॉडल की तारीफ की जा रही थी। फिर केरला का एक त्योहार होता है जिसका नाम होता है ओणम। ओणम के चलते इन्होंने पूरी छूट दे दी, नतीजा केरला में केसेस बढ़ गए। यानी कि पिनरई विजयन सरकार के पास पूरी मिसाल थी, पूरी मिसाल थी उनके सामने कि आप अंकुश लगाना चाहिए था आप पर, आपको ईद को लेकर 3 दिन की छूट नहीं देनी चाहिए थी, मगर आप अपने पिछले साल की गलती से भी नहीं सीखे। क्यों? अभी अक्टूबर में फिर से ओणम आएगा, दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है, और आप जानते हैं ओणम और क्रिसमस पूरे धूमधाम के साथ केरला में उसका जश्न मनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वहां की सरकार से कि आप इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी उदासीनता, इतने बड़े गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय कैसे दे सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तक उन्हें लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तक उनसे कहा था कि भाई आप बकरीद को लेकर छूट ना दे 3 दिन की, क्योंकि यह खतरनाक है। आप ये ना भूलें कि सुप्रीम कोर्ट की दखल के चलते ही उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगानी पड़ी थी। हमारे सामने मिसाल है, कुंभ को लेकर जो लापरवाही हुई उसके चलते कुंभ कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर बन गया। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शब्द हैं, जिन्होंने कहा था कि कुंभ मेले के चलते कोरोना के केसेस बढ़ गए, कुंभ मेला जो है वो एक सुपर स्प्रेडर बन गया। तो हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं, कुंभ की एक मिसाल है हमारे सामने, पिछले साल ओणम की मिसाल है, तो केरल ने इससे सबक क्यों नहीं लिया? बताइए, केरल ने आखिर इस बात से सबक क्यों नहीं लिया? और केरल की जनता को इस तरह से उनकी जान को जोखिम में क्यों डाल दिया गया? यह सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, आज सुए सरकार की जो तीसरी खबर है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दिल्ली की 3 दिन की यात्रा पर हैं और यहां पर उन्होंने इन तमाम लोगों से मुलाकात की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने नतमस्तक होते हुए, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी बाहर जा रही हैं और पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़े हुए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेला होबे किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं खेला होबे के चलते भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर खेला होबे हो सकता है, बशर्ते पूरा विपक्ष जो है वो एक मंच पर आए। और इसकी हमें झलक लगातार मिल रही है। यह नहीं भूलना चाहिए हमें कि कल पेगासस के मुद्दे पर पूरा विपक्ष जो है वो एक मंच पर था। आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी उनके साथ शिवसेना, आरजेडी, डीएमके और तमाम जो राजनीतिक दल यहां मौजूद हैं। पेगासस जासूसी मामले जिसमें कथित तौर पर मोदी सरकार अपने ही पत्रकारों, अपने ही नागरिकों, अपने ही राजनेताओं, अपने ही देश की महिलाओं का की जासूसी करवा रही थी, उनके फोन की हैकिंग करा रही थी, उसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तो तमाम इस तरह के सबूत हमें मिल रहे हैं कि विपक्ष एक होकर कहीं ना कहीं चुनौती देना चाहती है, और ममता बनर्जी उसी चुनौती का चेहरा बनकर सामने उभरी है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने? ममता बोली, इमरजेंसी से भी गंभीर हालात देखना चाहते हैं सच्चे दिन, अब पूरे देश में खेला होबे होगा। ममता बनर्जी से यह सरकार इस कदर बौखलाई हुई है दोस्तों कि आईपैक, इस शख्स प्रशांत किशोर की जो संस्था है आईपैक, उनके 20 सदस्य जाते हैं त्रिपुरा वहां पर सिर्फ सर्वे करने के लिए, और त्रिपुरा की जो पुलिस है उन्हें कमरे में बंद कर देती है। यह खबर देखिए दोस्तों, त्रिपुरा में जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी ममता बनर्जी से इस कदर डरी हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि त्रिपुरा में टीएमसी के पास एक पूरा अवसर है जीत दर्ज करने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि आईपैक के सदस्यों को उनके होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप ये खबर देखिए एनडीटीवी की, एनडीटीवी की खबर बता रही है कि इसके खिलाफ आज अगरतला में तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपातकाल से भी बदतर हालात। देखिए, अगर मैं ये समझ सकता था कि अगर उस होटल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता होते और अगर वो कहीं पर जाकर प्रदर्शन कर रहे होते, हालांकि लोकतंत्र में उसका भी आपके पास अधिकार है,
वो बात मुझे समझ आती है, मगर ये आईपैक के सदस्य थे, ये रिसर्चर्स थे, ये लोग टीएमसी के कहने पर सर्वे करने आए थे, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। देखिए सीधी सी बात है, अगर पेगासस जासूसी मामले को लेकर, जो कि जिसमें आपके फोन को हैक किया गया है, जो कानून के खिलाफ है, अगर उस मामले की जांच मोदी सरकार ना करवाए, अगर कोरोना की मौतों को लेकर ये लोग बाजीगरी करें और पारदर्शिता ना अपनाएं, अगर इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधें जैसा कि उन्होंने आईपैक के सदस्यों पर किया है, इससे क्या प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये लोग यही सब काम करते थे, और उस वक्त की मीडिया, क्योंकि मैं जानता हूं 2014 से पहले मैंने डंके की चोट पर उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सवाल किया था, डिबेट्स के अंदर अक्सर मैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ग्रिल किया करते थे, तब उस वक्त मुझे देशद्रोही तो बताया नहीं जाता था। तब उस वक्त HW न्यूज जैसे मंच, जो आज की तारीख में केंद्र सरकार से सवाल करते हैं, भाजपा से सवाल करते हैं, तो उस वक्त तो नहीं बताया जाता था आपको देशद्रोही, एंटी नेशनल, इन तमाम जुमलों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता था। तो अब आपको किस बात का डर है, आप सवालों से इतना डरते क्यों हैं? इसलिए आप लोग ममता बनर्जी से डरे हुए हैं, मगर आप जितना डरेंगे ना, आने वाले दिनों में आपको उसका उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे शब्दों को याद रखिएगा, और आने वाला दौर उस बात का प्रमाण साबित होगा। सुनिए सरकार में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।